लिया गया है। ये देखिए बेटा पॉजिटिव है लेकिन पिता का सैंपल नहीं लिया गया है कि वो पिता है जो राजभवन में नौकरी करते हैं। राजभवन में बड़े अधिकारियों का आना जाना 24 घंटे रहता है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त होगी। संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, पूरी खबर पर आपसे अपडेट चाहेंगे, क्या जानकारी है युवक के बारे में और पिता का सैंपल क्यों नहीं लिया गया जबकि बेटा कोरोना पॉजिटिव निकला है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में आज कुल 32 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें से एक युवक जो है वो राजभवन में राजभवन का जो सेंटर है उसमें लगा था। बताया जा रहा है कि जो युवक है वो कुछ दिन पहले मार्केट में गया था और उसके बाद से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद जब उसने भी जाँच करवाई तो आज जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया है। जो ये युवक है इसके पिता राजभवन में ही सर्विस में है और वहाँ के सर्विस में होने के चलते ही उन्हें उस कैंपस में रहने के लिए जगह दी गई है और वहीं से वो रहते भी हैं। अब इस युवक के पॉजिटिव आने के बाद जो युवक है उसके पिता और उसके परिवार का भी सैंपल लिया जा रहा है। हालांकि अब राजभवन तक ये कोरोना पहुंच गया है, ऐसे में राजभवन के अंदर भी कई सारी जो एहतियात है उसको देखते हुए कई सारे कदम भी उठाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक ईएमई सेंटर जो आर्मी कैंपस है राजधानी भोपाल का, वहां से भी एक कोरोना का पेशेंट सामने आया है। तो कहा जा सकता है कि कोरोना के जो मामले हैं अब लगातार राजधानी भोपाल में बढ़ रहे हैं और उसके चलते अब जो ऐसे कई जो सुरक्षित जगह जो है वहां पे भी अब कोरोना के संक्रमण पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे सुरक्षित एक राजभवन और उधर भी ईएमई सेंटर दोनों शामिल है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद।